परिक्रमा को शुभारंभ कार्यक्रम मिथिला बिहारी श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी के आई के कार्यक्रम के अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं। जानकी मंदिर धनेश्वर धाम और मिथिला बिहारी के मंदिर प्रसिद्धि के कारण हमारे वक्त चार साढ़े चार हजार वर्ष के इतिहास है। सभ्यता के विकास में अपना सबके संसार के पांच छह जगह जे मनुष्य के उत्पत्ति भेले आके गंगा के नदी और सिंध नदी की सभ्यता बहुत पुरान सभ्यता है और वही में मिथिला नगरी के जे राजा जनक के जे राजधानी रहे हमरा आके पढ़े के लिए ये भारत और हम जे मनुष्य अखिलता जे हजारों जमा भेल एकर पुरखा के इतिहास ये बड़ा लंबा इतिहास है। इसमें चार हजार वर्ष के राजा जनक के राजधानी सीता के जन्म और अयोध्या के राजा दशरथ के लड़का रामचंद्र यार भगवान राम जे भगवान के रूप में एक पृथ्वी पर अवतरण भेले और त्रेता युग से लगा गए हम कली युग में छी। हमरा सबके जानकारी है कि सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कली युग। कली युग में धर्म संस्कृति परंपरा और मनुष्य के व्यवहार बहुत आके कमजोर भ रहा है। समाज के सद्भाव कमजोर भ रहा है। सब चीज में राजनीति और वो शुद्ध राजनीति नहीं। समाज के केना उत्थान करब, देश के केना उत्थान करब से छोड़ के आके विकृति बहुत भ रहा है। ताहि लेल कम से कम धर्म संस्कृति परंपरा जे हमर अइ तकरा बचा के ल जाय, समाज के सद्भाव कायम करी और मनुष्य भगत केना बाँचब से बात अहाँके सबके स्मरण करबैत रही। कई दिन एहन एहन काज जे होइ छै जे जेना भगवान राम के सीता और राम के जे हमसब जपैत रहै छी तुलसीकृत रामायण जे है से हमरा बुझाइए हमसब जखन छोट छली जखन 15 वर्ष 20 वर्ष या 30 वर्ष तक छली 40 वर्ष तक ले तो गाँव में हर टोल में रामायण जे आके 10 घर के बीच में 20 घर के बीच में रामायण आके तुलसीकृत रामायण वाचन होइ छलै। बीच बीच में आके हनुमान चालीसा के हनुमान चालीसा से बहुत लोग के आके मुक्तमानी छल। हमरो सबके बच्चा में आके मुक्तली हनुमान चालीसा पूरे आके यादे छल। ताहि लेल कुछ आके की कहै छी जे धर्म संस्कृति परम्परा के मार्ग पर समाज के सचेत करै छलै कि हमर कर्तव्य की अइ समाज के प्रति परिवार के प्रति की हमर की कहै छी कर्तव्य। जहन उत्सव सब में कम से कम रामायण के वाचन हुआ चाहिए छलै। अइया हर जगह गायती लेखा हर जगह बैच लगाओ सब मंच आसन करब अहाँके अरे बाबा अइया तो अहाँके चारि महंत रहते या विद्वान रहते जे अहाँके राम के बारे में सीता के बारे में कुछ प्रवचन करते रहते तब हमरा सबके अहाँके आनंद हो। से नहीं कहकर हर मंच के अहाँके की राजनीति मंच बना दी अरे अहाँके प्रथम राष्ट्रपति हम अली के कौन हम तो यही गाँव से छी या यही अहाँके सोचल महीनों महीनों दिन रहे तो हमारा अहाँके की है जो नागरिक लेखा हट घड़ी अहाँके की कहे छी जो स्वागत के लागी हमारा स्वागत के लागी अकेला बैसल
हाँ तो ये कि भगवान राम के आ सीता के डोली उठती कते बड़का है के एक महत्व आज देखियो तो अयोध्या में आ के कोई एक सीता के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ओकरा एक पेट जोड़ल के जाके ओसे पर्यटन के विकास होते आके लाखों लोग अवते आ वो चुनावों जीत जाते वही बहाना चुनाव जीता के लागे आगे अयोध्या के अब कहक नहीं चाहिए हम खिलाए दे देश के हम अपन पूर्व राष्ट्रपति जीत ले दोसर देश के बारे में नहीं कहक चाहिए लेकिन अब वो भगवान राम के पूजा करे थे तो आस्था के लागे कि अब चुनाव जीता के लागे सही ना ये हमारा सबके जमा कर के अहाँ सबके चुनाव जीता के कोनो बाते नहीं तो ये तो अहाँ के आठ दिन सात दिन से अहाँ के रामायण के अब पूरा वाचन करता है कही ना तो राजा जनक के कंपाउंड के अहाँ के पंद्रह दिन के परिक्रमा करी राजा जनक के अहाँ के घर के गृह के अहाँ के चौबीस घंटा के परिक्रमा करी ओकर सुबह आरम्भ अहाँ के अत्येक बड़का महत्व है जे राम आ सीता के डोली अहाँ के ये की कहै छै जे चोचरी से उठे जे अयोध्या से उत्पत्ति होइ छै कहुते मदर प्लेस भेलै जाके जहियासँ उत्पत्ति होइ छै डोलाके कते महत्व है ई जगह के एकरा विकास के लेल ताहि लेल हमहुँ हमरा याद अछि कहलियै जे कि हम पहिला बेर मंत्री भेलियै 48 साल मे तखन विद्या प्रसाद कोइराला जी अहाँके कैबिनेट मे छलियै हमसब तऽ ताहि लेल बृहत जनकपुर के कॉन्सेप्ट रहलै जे केना के पंद्रह जगह जे भारत मे नेपाल मे जे जगह सब है जे अहाँके एकर रुकै छै जगह सब से सब जगह के केना विकास करी आ केना जोड़ी आ यही भीतरी मे जे अहाँके जतेक ढौसा गाम के या सुचरी के की कहै छै जे मिथिला बिहारी के जानकी मंदिर के एकरा सबके केना विकास होय की कहै रिक्वेस्ट करबै जे सबके बारे में अध्ययन कराओ जे संस्कृति परंपरा और अपना समाज के सब जोड़ के एकरा की है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकास करके एकरा की कहै छै पर्यटन स्थल बनाओ जैसे कि हमरा यहाँ के भारतो सब लोग बेसी आगे पहले तो हम सब धियापुता छी लाखों लोग अबै छलै यहाँ की कहै छै युवा पंचमी में और रामनवमी में लाखों लाख अबै छलै यहाँ के जनकपुर में भारत के लोग यहाँ के की कहै छै जे कि अखन तक वही तृतीया गाछी रहै छलै वही पहाड़िया गाछी रहै छलै ओहिमे 5,000 लोग एक महीना तक ले पहाड़ से लोग आके आके मेला भरै छलै वही तृतीया गाछी में आके की कहै छै जे एक महीना तक ले लोग वही मेला लगबै छलै तिरहुत से लोग अबै छलै ओहि पार से लोग अबै छलै अखन देखै छियै एक खाली एगो छोट कही रे लम्बो तो हमरा देखै छियै ओ भाषणे करत से ले ली हमरा तऽ जे राम और जानकी के हुनका है जे की कहै छै जे डोला के स्वागत करै छै कोई डोला के हरिया तक तऽ हमरा अभी अपने सबके बड़ा खुशी लागल कि आज भाषण दिए के हूँ बिसरि गेल छी आ भाषण दिए लगै छी तऽ बहुत बात कहऽ लगै छी हम कहब जे अहाँके जगह बहुत अहाँके महत्वपूर्ण जगह एकर केना विकास होतै धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में एकरा केना अगाड़ी बढ़ायब एकरा जानकी मंदिर से जोड़ू एकरा अयोध्या से जोड़ू एकरा की कहै छी एकरा अगाड़ी बढ़ाऊ और अहाँ सबके ई काज करब सफल हुए बहुत धार्मिक महत्व के क्षेत्र से जुड़ल 15 दिन परिक्रमा 15 दिन तक भूख 15 दिन तक अहाँ के विभिन्न किस्म के अहाँ सब अपना में आस्था बोल के ई परिक्रमा प्रत्येक साल लग रहा है ऐ परिक्रमा में हजारों आदमी सब अलग सहभागी हो लेकिन हमरा यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों से जुड़ल चीज अल विकास के अखन को अभाव है अलग चल वाला भक्तजन सबके अखन के परिक्रमा में हम अहाँ चलै छी जे व्यवस्थित नहीं है ऐसे पहले अगाड़ियों बस हम अ परिक्रमा में पहले उद्घाटन सत्र में आये रही मुख्यमंत्री जी अलग के वाला चाहे छी अखन के बजट में ई पर्यटन स्थल सबके विकास कराला हम सब मधेश प्रदेश सरकार से कुछ बजट छुटिएने छी अइ लंग मिथिला बिहारी नगर पालिका के ई मंदिरों के लागी बजट छुटिया है दोसर
हमारा के धार्मिक संस्था सब के हमारा धार्मिक पर्यटक के रूप में मध्य प्रदेश के एक बढ़िया संभावना है हमारा के विकास कर के, लेकिन एक व्यवस्थित नहीं हुए के कारण अखन जब विकास कर अभाव सब भर रहा है। छोटे के बजट में हम सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र के विकास कर के लगे मास्टर प्लान बना रही जैसे अहा के परिक्रमा स्थल के भी हम सब अहा के मास्टर प्लान बना रही तक बाद एक विकास के एक गति लेते से हम सब प्रदेश के अहा के आग्रह में दोसर केंद्र मंत्रालय के से एक देखे हमारा के पूर्व वक्ता साथी कहला कि जानकियो मंदिर जे हमारा अहा के अ प्रदेश के लिए वह विश्व संपदा सूची में सूचीकृत नहीं लेकिन लेकिन एक प्रक्रिया बहुत आगारी तक बढ़ गए कुछ काम सब मात्र बाकी है कुछ ही दिन में हम अहा सुन पाए कि हमारा अहा के जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में सूचीकृत है कह कर ये विश्वास रखू सबके विकास कर के लगे हम सब जे सपने से मध्य प्रदेश सरकार से अहा के परिक्रमा के विस्तृत कर के लगे टॉयलेट चाहे कभी कहे स्थल सबके विकास कर के लगे वही मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है हमेशा प्रतिबद्ध रहते अहा के पर्यटन क्षेत्र भित्र पर्यटकों सबके भित्र आवे के लगे एक बड़का अवसर के रूप में हम सब चीज के लेने से अहा सबके जे मनोकांक्षा जे अहा सब मनोकामना सहित अ परिक्रमा में सहभागी भक अपन समय जे देने छे तैके लागी धन्यवाद दोसर अहा के कथी कहे अहा सबके मनोकांक्षा पूरा हो मध्य प्रदेश सरकार अहा सबके सब साथ में हा श्री राम जी श्री सीता जी के हम अहा अखन तो विगत में भेल इतिहास के हम अहा अनुसरण क के उनका सबके हम अहा पूजा कर रहा छे लेकिन पूजा वही चीज में होय धर्म हमरा अहा के सबसे बड़का इंसान के धर्म होय मानवता के धर्म होय उ मानवता के धर्म हम अहा पालन करबे त हम अहा जे भगवान के पूज रहा छे उ भगवान अपने आप खुश भ जते काल के दिन में रावण के अंत अहा के राम कयने रहे आयो हमरा अहा के समाज में बहुत रावण सब है वही रावण के हमरा अहा के अंत कर के जरूरी है वही में हम अहा फिर राम के अनुसरण क के हम अहा फिर उ राम बने के कोशिश करू फिर अ मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से हमार व्यक्तिगत तरफ से अ भव्य समारोह के अ परिक्रमा के हार्दिक शुभकामना व्यक्त करब।